हेलो दोस्तों, SR इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने आया है दोस्तों ये एसी डीसी जो बल्ब है दोस्तों, जो कि हमारे गांव देहात में दोस्तों सबसे ज़्यादा बिजली चमकने का, जो बिजली गिरने का जो बहुत ही खतरा रहता है दोस्तों, जब बारिश होने के टाइम होता है दोस्तों, उस टाइम में दोस्तों हमारे कस्टमर जो बोले कि जिस टाइम में ज़्यादा ज़ोर से जो बिजली गिरने लगा दोस्तों, उसी टाइम में ये बल्ब जल रहा था दोस्तों। उस टाइम इसको बिजली का करंट हाई वोल्टेज में लगा है दोस्तों, उस टाइम से ये बर्न हो गया दोस्तों। उस टाइम से ये बल्ब नहीं जल रहा है, उसी टाइम से ये कस्टमर लेके आया है हमारे पास रिपेयर कराने के दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है दोस्तों, कि इससे क्या हुआ या हाई वोल्टेज से जल गया दोस्तों, कि किस तरह से इसका फॉल्ट हुआ दोस्तों, उसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें चेक करके कि सही में किस तरह से ये बर्न हुआ या कुछ अभी जल रहा है या कुछ हो रहा है दोस्तों। जैसा कि ये देखिए, कोई लोकल कंपनी का है दोस्तों, जो कि एसी डीसी दोनों मोड पे चलता है दोस्तों। ये बल्ब देखिए दोस्तों, ये कोई लोकल कंपनी का है जो कि हल्का माल है। जैसे ये देखिए, ये भी अभी नहीं जल रहा है दोस्तों, इस तरह से या देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से मैंने एक चिमटी से भी इस तरह से टच कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें कुछ भी नहीं जल रहा है दोस्तों, जो कि ये ख़राब हो जाने के कारण दोस्तों इसका बैटरी भी डाउन हो चुका होगा दोस्तों, जो कि नहीं जल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने ये टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों, ये सीरीज बोर्ड का ये होल्डर मैंने बनाया हुआ है दोस्तों, इस तरह से आप भी बना लीजिएगा दोस्तों, अपने घर पर रिपेयर करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक चेक करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं अपना सीरीज बोर्ड का सॉकेट में दोस्त लगा देता हूँ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सीरीज बोर्ड का सॉकेट में लगा दे रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ एक जो सही वाला बल्ब है, इस तरह से देखिए, जो ये हमारा ग्लो कर रहा है देखिए, जो कि हमारा इसमें एसी सप्लाई आउटपुट हमें मिल रहा है। तो चलिए, इस वाला जो कि हाई वोल्टेज से हाई करंट जो बिजली से गिरने के कारण ये ख़राब हुआ बल्ब को देखते हैं दोस्तों। इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है देखिए, कुछ भी नहीं जल रहा है, थोड़ा भी नहीं जल रहा है इसमें। ये देखिए, ये देखिए, मैंने लगा के पूरा छोड़ दिया, फिर भी कुछ भी नहीं जल रहा है देखिए। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या समस्या बना, ऐसा क्या जल गया कि क्या हुआ। इसको पूरा ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, हमारा वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें दोस्तों, अगर कुछ सीखना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, ताकि आने वाला इसी भी लेटेस्ट तरह वीडियो आपको जल्द मिल सके दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए इसको खोलते हैं, इसका डिफ्यूज़र को, जो कि हल्का माल है दोस्तों, ये आसानी से खुल जाता है ये, जो कि जब कंपनी वाला रहता है तो आपको खोलने में दिक्कत ज़्यादा है, लेकिन ये लोकल है इसलिए ये जल्दी खुल जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें, जो कि जब बिजली गिरने के टाइम में ये जल रहा था, उसी टाइम ये हाई वोल्टेज होने के कारण इसका प्रिंट देख सकते हैं इसमें, देखिए इधर, यहाँ से जितना यहाँ का ये एसी का ये जो प्रिंट था, इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के सामने से ये पूरा उखड़ के जल चुका है देखिए, पूरी तरह से जल गया। पहला फॉल्ट तो हमें इसी में मिल रहा है देखिए, इस तरह से जो हाई वोल्टेज होने के कारण, ये देखिए, जो कि यहाँ से पूरा यहाँ का प्रिंट है पूरा जल चुका है, ये देखिए इसी तरह से, इस तरह से देखिए। चलिए मैं इसका सॉकेट को निकाल देता हूँ इस तरह से। इसका जो पूरा पॉइंट है ये यहाँ से पूरा जल चुका है। तो देखते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हमारा सही है या नहीं। तो उससे पहले आपको एक बार, ये देखिए, ये हमारा किस तरह का एसी डीसी बल्ब है, आपको अंदर से भी खोल के दिखाते हैं कि क्या अंदर से भी जल गया है या बाहर से बस जला है, या इसका MCPC भी है या नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, क्या कुछ बहुत ये रिपेयर हो सकता है या कुछ बहुत रोशनी मिल सकता है क्या इसमें, देखिए इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो एसी कनेक्शन का जो SMD LED है,
देखिए यहाँ से ये आधा आधा ये बर्न हो चुका है, जिसमें ये काला काला डॉट होने लगा हो गया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस सब में काला काला डॉट पड़ गया है, जो कि हाई वोल्टेज के कारण में ये आधा आधा बर्न हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसको ओपन करके, तो ये देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी सर्किट या एमसीपीसी या कुछ इसका कुछ भी नहीं है दोस्तों, सेफ्टी के लिए। ये देखिए एकमात्र ये देखिए ये बैटरी है, लिथियम बैटरी। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, जो कि इसमें डायरेक्ट एसी लाइन ये देखिए इनपुट आ रहा है इसमें। ये डोब है दोस्तों इस तरह से देखिए, जो बिना सर्किट का होता है उसी को डोब बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए उसी तरह से ये डोब एसी डीसी बल्ब है। तो इसमें तो कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें तो कुछ है नहीं, इस बार भी कुछ नहीं। तो चलिए इसको पैक कर देते हैं और ऊपर से ही इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। चलिए इसका स्क्रू को कस देते हैं पहले इस जगह पे, ताकि ऊपर से ही हमें रिपेयर करने में आसानी हो जाएगा, हिले नहीं हमें इस तरह से। इस जगह पे इसका स्क्रू को लगा लेते हैं पहले। क्या हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हमारा सही है या जल चुका है? पहले इसका स्क्रू को लगा लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इसका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हमारा जल चुका है या शॉर्ट हो चुका है, या किस तरह से इसको चेक करेंगे, या अपने घर पे किसी ख़राब एलईडी बल्ब से इसको निकाल के रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, किस तरह होने लायक है। तो चलिए इसका पहले मैंने मीटर को ले के रखा है, देखिए इस तरह से कंटिन्यूटी के रेंज में, जो कि डायोड के रेंज में भी चेक करने का रेंज जो भी है उसी रेंज में मैं करके रखा हूँ। ये देखिए इस तरह से, जो कि इसका पॉइंट पे हमें चेक करना है, जो कि ये देखिए हमारा मीटर पे कंटिन्यूटी आ रहा है उसी रेंज पे हमें करना है। तो चलिए इस साइड का तो ये प्रिंट और ये इसका लेग सहित ये जल के ख़त्म हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका प्रिंट या लेग दोनों उड़ चुका है इस तरफ से। एक का कनेक्शन इसमें है, एक को इस तरह से रखते हैं, ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से यहाँ भी मैं रख रहा हूँ तो भी ये देखिए इसमें शॉर्टिंग बता रहा है। देखिए ये देखिए, आपको पता है दोस्तों कि किसी भी डायोड में दोस्तों अगर बीप की साउंड सुनाई देता है तो वो हमारा डायोड ख़राब हो चुका होता है, जो कि शॉर्ट हो चुका होता है। जैसा मैं इसको पलट भी देता हूँ मीटर का प्रोब को, जो कि इस साइड से कर रहा हूँ और इस साइड से कर रहा हूँ, ये देखिए दोनों साइड से ये बीप मार रहा है। इस साइड से देखिए, एक साइड से हमारा ये सही दिखा रहा है, लेकिन एक साइड से हमारा जैसा कि ये देखते हैं, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में चार डायोड मिल के बने होते हैं, तो हमारा दो डायोड ख़राब हो जाता है तो हमारा काम नहीं करता है। तो उसी तरह से इधर का दोनों पॉइंट इधर से आपस में शॉर्ट हो चुका है, तो इधर का आपको सही है लेकिन इधर का शॉर्ट हो चुका है। लेकिन हम एक ही है तो इसको तो हम बना नहीं सकते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। इसका दोनों लेग तो आपस में जल चुका है, बचा है दो ही लेग। अब दोनों लेग में देखते हैं कि इसको किस तरह से निकालें शोल्डर की सहायता से। ये देखिए इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा, जो कि इसमें हॉट एयर गन नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ हमें शोल्डर की सहायता से ही इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये SMD बल्ब है सब सारे और जल जाएंगे जो हॉट एयर गन से अगर करेंगे तो।
ये देखिए, जो कि ये देखिए हमारा, ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अपने घर पे भी अगर एलईडी बल्ब होगा दोस्तों, किसी भी तरह से ख़राब हो या स्क्रैप में पड़ा होगा दोस्तों, तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से SMD ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, ये हमारा मेन IC है, ये डायोड है इस तरह से, ये देखिए, जो कि इस तरह से किसी भी तरह का आपका LED बल्ब ख़राब हुआ होगा दोस्तों, जो कि स्क्रैप है, जो कि बनने लायक नहीं है। उसमें स्क्रैप बोर्ड से भी आप ले सकते हैं, या फिर आप इस डायोड को आप नया भी ख़रीद सकते हैं, जो कि आराम से इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में 1 से 2 रुपये से 3 से 4 रुपये या इतना से आपको मिल ही जाएगा। 2 रुपये में मिनिमम हमारे यहाँ मिल ही जाता है इस ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो चलिए, मैं एक इस वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, इसका मैं निकाल लिया हूँ, इस तरह से इस जगह का मैंने निकाल लिया हूँ, जो ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो चलिए, मैं इसको चेक करा देता हूँ, जो ये हमारा ख़राब है और ये हमारा सही है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, एक साइड हमारा प्लस है, माइनस है, जो कि ये कटा हुआ भाग है उस तरफ, देखिए इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, सेम उसी तरह इसमें भी है, ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं, इसमें भी जिस तरफ कटा हुआ रहता है, इस तरफ कटा है तो इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, माइनस इस तरफ AC लाइन के लिए है। तो चलिए, ये ख़राब वाला है और ये हमारा सही वाला है। तो सही है कि नहीं, आपको तो चेक करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों, कि ये चेक बिना किए तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, किस तरह से शॉर्टिंग है। तो मैंने मीटर को बजर के रेंज में सेट करके रखा है, देखिए इस तरफ से, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो एक एक लेग को इस तरह से टच करेंगे, ये देखिए इस साइड से कुछ नहीं शो कर रहा है, या कुछ बीप की साउंड भी नहीं सुनाई दे रहा है, ये देखिए इस तरफ से हमारा रीडिंग शो कर रहा है, इस, ये देखिए, और इस तरफ से आपको दिखा रहे हैं कि इस तरफ से भी क्या बीप साउंड सुनाई देता है, इस तरफ से क्या बीप तो नहीं सुनाई दिया, इस साइड में जिस साइड कटा हुआ नहीं है, चलिए मीटर की प्रोब को पलट लेते हैं, जो कि SMD है, बहुत ही छोटा है, तो ये हमें चेक करने में दिक्कत आ जाता है, इस तरह से, चलिए दोस्तों इसको हम इस तरह से चेक करके दिखाते हैं आपको, जो कि इस भाग में एक साइड को इस तरफ से रखेंगे और इस, ये देखिए इस तरफ से कुछ भी नहीं दिखाया। तो चलिए मीटर को पलट लेते हैं, ये देखिए इस तरफ से भी कुछ नहीं दिखाया, और जब हम इसकी एक लेग को इस तरफ से करते हैं और इसका तीनों लेग में देखते हैं, इस तरफ से, तो इधर से देखिए ये भी रीडिंग में शो कर रहा है, ये देखिए इस साइड भी, जब हम इसको भी इस तरफ से लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरफ से एक साइड से हमारा शो नहीं कर रहा है, ये देखिए इस तरफ से, इसी तरह से इस डायोड को भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला है जो कि इस तरफ कटा हुआ भाग है, तो हमें इस AC जो हमें फेस न्यूट्रल जहां इन होता है उस जगह पे हम देखते हैं, इस तरह से आपको चेक करके भी दिखाते हैं, इसमें भी जो कि इसमें सर्किट में लगा हुआ है, तो इसमें कुछ रीडिंग अलग भी दिखा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस साइड से करने से आपको कुछ रीडिंग नहीं मिलता है,
ये देखिए, और मीटर को पलट के करने से ये देखिए इस तरह से, और जब हमें इस तरफ या इस तरफ करने से हमें रीडिंग शो करता है। जैसे इसमें किसी भी बीप का साउंड नहीं सुनाई दिया, इसी तरह इसमें भी किसी तरह से बीप का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। और इस जो ख़राब वाला है, उस समय इसको चेक करते हैं तो इसमें बीप की साउंड सुनाई देता है, ये देखिए। तो इसी तरह से ये पूरी तरह से ये शॉर्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। आप नया वाला भी ख़रीद के ला सकते हैं और लगा सकते हैं, या अपने घर से भी जो पुराना वाला होता है उसको भी आप इस तरह से लगा सकते हैं, जो कि इसका प्लस माइनस देख के आप लगा सकते हैं इसके जगह पे, जो कि हमारा प्लस माइनस है, जो कि ये देखिए हल्का सा, जो कि आप देख सकते हैं इसमें, जो कि देख सकते हैं कि हल्का सा कटा हुआ जैसा दिखता है, जिस तरफ हमारा प्लस माइनस लिखा रहता है। इस तरफ जिस तरफ हमें प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है, इस तरफ हमें प्लस माइनस मिलता है डीसी में, और इस तरफ हमें कनेक्शन करना है एसी कनेक्शन इस तरफ। तो चलिए हम इस तरह से करते हैं, जिस तरह से हमें एसी कनेक्शन को कनेक्शन करने के लिए हमें इस तरफ से कटा हुआ भाग को एक साइड करेंगे, जिस तरफ से लगा था उस तरफ, और इसको देखेंगे। इस तरह से इसको लगा के देखते हैं, इसका कनेक्शन को देखते हैं। बहुत ही बारीकी चीज़ होता है दोस्तों एसएमडी। आप कुछ भी रिपेयर करेंगे दोस्तों एसएमडी, तो आपको बारीकी से काम करना पड़ेगा। जो कि इसका प्रिंट भी उखड़ चुका है जल के, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसको सोल्डिंग करने में भी। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर देते हैं इस तरह से। सोल्डिंग कर देते हैं इसको, और इस साइड भी कर देते हैं सोल्डिंग इस तरह से, देखिए, जो कि मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए इस तरह से, जो कि इसका प्रिंट एक साइड से उखड़ चुका है। तो इसको हम इसका कनेक्शन को देख लेते हैं कि यही वाला है इसका कनेक्शन, इस तरह से, क्या यही है इसका कनेक्शन? तो देखिए इसका कनेक्शन कहाँ चला गया, जो कि जल चुका है इसका कनेक्शन इस तरह से। इसको निकाल देते हैं, इसको आप भी इस तरह से कर सकते हैं इस तरह से, देखिए मैंने इस तरफ से कर रहा हूँ इसी तरह से, इसका इस तरफ घिस के थोड़ा इसका सोल्डिंग और कर देता हूँ। जो कि काफ़ी ये इसका ट्रैक भी जल चुका है इस तरह से। तो देखिए हमें इस तरफ से जो ये हमारा एसी कनेक्शन है, इस जगह पे, तो ये एसी कनेक्शन का ये जो प्रिंट है यहाँ जल चुका है। तो हमें इस वाला वायर को डायरेक्ट इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं, इसको निकाल के, डायरेक्ट इसमें हम कनेक्शन मार देते हैं,
हमारा प्रिंट उखड़ चुका है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं इस जगह से और हमें इस वाला पॉइंट को डायरेक्ट इसमें कनेक्शन कर देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने कनेक्शन कर दे रहा हूँ, देखिए जो कि हमारा इस साइड को यहाँ को छोड़ दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से ये प्रिंट होके यहाँ से आ रहा था, जब बस यहाँ से इसका प्रिंट पूरा जल चुका था। तो चलिए मैंने इसको एक जगह, इसका लेग को यहाँ से यहाँ कनेक्शन है इसका और यहाँ का प्रिंट टूट चुका था, तो मैंने इसको एसी का जो सप्लाई है फेस न्यूट्रल, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन कर दे रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए। तो चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा ये जलने लायक हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये 100% जल चुका है दोस्तों, ये देखिए, जो कि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जल के शॉर्ट हो चुका था और प्रिंट उखड़ चुका था, वो अब ठीक हो चुका है दोस्तों। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से आप भी अपने घर में हाई वोल्टेज या बिजली का करंट जोर से आने के कारण से भी या कुछ भी प्रॉब्लम होने से दोस्तों, इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर दोस्तों। ये देखिए, जो कि इसका डिफ्यूज़र को लगाएंगे तो ये बराबर रोशनी हमें मिल जाएगा दोस्तों, इस तरह से, जो कि ये थोड़ा सा जलने के कारण में ये रोशनी स्लो है, इसका ग्लो कम हो चुका है इस टाइम में, जो कि अगर आपको इस प्रॉब्लम से 100% बाहर निकलना है दोस्तों, तो ये देखिए इसका निकलना है तो पूरा ये MCPC भी ही चेंज कर देने से ये भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस तरह से अगर आपको काम चलाना है दोस्तों, तो इस तरह से भी रिपेयर करके अपने घर पे बना सकते हैं दोस्तों, मात्र 2 रुपये में दोस्तों। ये देखिए, अगर अपने घर पे है तो दोस्तों आपको फ्री में भी बन जाएगा दोस्तों, ये देखिए। तो आई होप दोस्तों हमारा वीडियो देख के आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो इसी तरह से देखने के लिए आपको जल्द मिल जाएगा दोस्तों देखने को। तो चले दोस्तों इसको निकाल देते हैं और इसका इस तरह से देखते हैं दोस्तों, जो कि इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से इसको भी लगा देते हैं दोस्तों, जो कि इसका कनेक्शन को अंदर कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए दोस्तों अब ये भी जलने लग गया है दोस्तों। इसका भी पॉइंट को हमने ठीक करके चला दिया तो ये भी जलने लग गया अब दोस्तों, ये देखिए इस तरह, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर हमारा वीडियो देख के आपको पसंद ही लगा दोस्तों, तो एक वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों, जो अपने दोस्त या फ्रेंड हो किसी को भी इस तरह से वीडियो आपको देखना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको उनके पास ज़रूर शेयर करें दोस्तों।